हेलो दिस इज इंद्रजीत, वेलकम यू टू द लास्ट रिव्यू। सो गाइस, इस ट्रेलर्स डे क्योंकि आज तीन बड़ी मूवीज के ट्रेलर आने हैं, जिनमें से एक का ट्रेलर आ चुका है। अब जिन तीन बड़ी मूवीज की मैं बात कर रहा हूँ वो है बंटी और बबली 2, जिसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है, अंतिम, एंड सत्यमेव जयते 2। और ये तीनों ही फिल्में नवंबर में आनी है, एक हफ्ते के बीच में। लाइक बंटी और बबली 2 19 नवंबर को थिएटर्स के अंदर आनी है, 25 को सत्यमेव जयते 2 और 26 को अंतिम आनी है। पहले सत्यमेव जयते 2 भी 26 को आ रही थी, बट क्योंकि बड़ी मूवीज का क्लैश हो रहा था, दोनों ही मासी मूवीज हैं, जिस कारण सत्यमेव जयते 2 एक दिन पहले प्रीपोन कर दी गई, जो कि बहुत ही स्मार्ट डिसीजन था। सो गाइस, आई एम हियर विद द बंटी और बबली 2 ट्रेलर रिएक्शन। अगर आपने पुरानी बंटी और बबली देखी है तो आप डेफिनेटली ये वाली भी देखना चाहोगे, क्योंकि यहाँ पर पुराने वाली स्टोरी को मिक्स किया गया, थोड़ा सा वहाँ से टच लिया गया है। हालांकि मैं सैफ अली खान का फैन हूँ, मुझे वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर हम बंटी और बबली की बात करें देन अभिषेक बच्चन इज द फर्स्ट चॉइस, क्योंकि यार एक बड़ा पेयर हम देख चुके थे और बंटी और बबली जिस तरह से छाई थी फिल्म, मतलब बंटी और बबली में अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी, अमिताभ बच्चन और कजरारे, ये तीन चार ऐसी चीज़ें हैं जो बंटी और बबली से आप नहीं छीन सकते या अलग नहीं कर सकते। अब डोंट नो क्या इशू हुआ होगा कि अभिषेक बच्चन यहाँ पर नहीं आ पाए। सो सैफ अली खान इज प्लेइंग द सेम रोल जो अभिषेक बच्चन ने उस टाइम में प्ले किया था। सो स्टोरी काफ़ी आगे जा चुकी है दोस्तों। बंटी और बबली ये दोनों अपना पुराने वाले बंटी बबली ये दोनों अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, शादीशुदा ज़िंदगी, इनका एक बेटा भी है एक। अब बंटी जो कौन मैन था, अब वो रेलवे के अंदर एक ऑफिसर रैंक पर है। अब शहर के अंदर काफ़ी साल के बाद बंटी और बबली का दोबारा चर्चा होने लग गया है। अब यहाँ पर अमिताभ बच्चन की जगह है पंकज त्रिपाठी, जो पहुँच जाते हैं पुराने बंटी और बबली के पास, क्योंकि जो नए बंटी और बबली हैं वो पुराने वालों को लोगो यूज़ कर रहे हैं अपना काम करने के लिए। बट जब ये बात खुलती है कि पुराने बंटी बबली ये नहीं कर रहे, तो कौन कर रहा है ये? तो जैसा कि हम सबको पता है कि दे आर सिद्धांत चतुर्वेदी एंड शार्वरी वाघ। सिद्धांत चतुर्वेदी को हम सब जानते हैं एंड शार्वरी वाघ, जिन्होंने फॉरगॉटन आर्मी से काफ़ी नाम बनाया अपना। सो ये दोनों सारे कांड कर रहे हैं, अब पुराने वालों की ब्रांडिंग ये कर रहे हैं, उनका नाम यूज़ करके उनका नाम खराब कर रहे हैं, जो भी चल रहा है। तो रानी मुखर्जी और सैफ अली खान जो असली बंटी बबली हैं, इनको काफ़ी आपत्ति है इससे। सो वे पुलिस का साथ दे के या फिर उनके बिना अलग तरीकों से अपने नए वाले बंटी बबली को पकड़ना चाहते हैं। सो दिस इज़ द मेन स्टोरी। तो क्या पकड़ पाते हैं या नहीं उन्हें, या पुलिस पकड़ पाती है, या क्या स्टोरी रहेगी? हालांकि बहुत बड़ा एक सस्पेंस होगा फिल्म के अंदर जो हमसे छिपाया गया है ट्रेलर में, बट ओवरऑल ये स्टोरी होने वाली है। अब पुरानी फिल्म से अगर मैं कंपेयर करूँ, पुरानी फिल्म अपने आप में काफ़ी अच्छी थी उस टाइम पे। अगर मैं बात करूँ कि कौन कपल्स, काफ़ी कम फिल्में बनी थी उसके ऊपर, जिस कारण वो लोगों को काफ़ी पसंद भी आई थी। फिल्म का म्यूजिक काफ़ी अच्छा था, फिर यशराज बैनर की फिल्म थी, अब ये भी यशराज बैनर की है, इसी कारण स्टोरी को आगे चलाया गया है, स्टोरी को आगे लिया गया है। बट अगर डायरेक्टर्स की बात करें देन पहले वाली वॉज डायरेक्टेड बाय शाद अली, जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था उस फिल्म के अंदर, एंड दिस वन इज डायरेक्टेड बाय वरुण वी शर्मा, जो डेब्यूटेंट हैं। और अगर मैं स्टोरी राइटिंग की बात करूं, क्योंकि ये फिल्म भी उन्होंने ही लिखी है, सो वरुण वी शर्मा ने भारत स्टोरी लिखी थी। अब भारत हम सबको पता है कि किस लेवल की फिल्म थी सलमान खान की, मुझे लिटरली बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। और ट्रेलर देखने के बाद भी, हालांकि एक फनी एंगल से ये फिल्म को बनाया गया लाइक फर्स्ट वन, बट फिर भी मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग ये फिल्म होने वाली है, बहुत ज़्यादा मज़ा आपको आने वाला है। बट स्टिल ट्रेलर देखकर कुछ भी कहना अभी बहुत छोटी बात होगी, बहुत जल्दी होगा कुछ भी कहना। आई ट्राई टू वॉच द फिल्म, क्योंकि सोलो रिलीज है ये, और इसमें रिव्यू भी करूंगा अगर देख पाया तो। लेकिन अगर आपने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा, सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन गाइस, देखिए और मुझे बताइए कि क्या लगता है आपको, पहले वाली फिल्म को टक्कर दे पाएगी ये जिस तरह से स्टोरी चलाई है, या ट्रेलर में आपको मज़ा आया? क्योंकि मुझे ट्रेलर में हंसी बिल्कुल नहीं आई, बट यस थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है कि किस तरह से ये नए वालों को पकड़ेंगे, या फिर जो भी ट्विस्ट बीच में छोड़ा होगा इन्होंने, वो जानने की मेरी यू नो क्यूरियोसिटी है। इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कि ये फिल्म एक बहुत बड़ी हिट होने वाली है, बट जो भी आपका रिएक्शन है आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। सो यही था बंटी और बबली 2 का ट्रेलर रिएक्शन गाइस। अभी दो बड़े ट्रेलर्स और आने हैं आज, एंड आई विल ट्राई टू रिएक्ट ऑन देम एज वेल। सो फिलहाल यही था दोस्तों, मिलूंगा जल्दी अगली किसी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।